शरीर में बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं। डिस्कम्फर्ट लाइक का बैक पेन होना, बट पेन होना, थाई पेन होना, जॉइंट पेन होना, पेल्विक पेन होना, और ये सारे जितने भी पेन होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं प्रेगनेंसी में। हर किसी को फेस करना पड़ता है, अगर जो फेस नहीं करते वो बहुत लकी होते हैं। और इन सारे डिफिकल्टीज के लिए, पेन्स के लिए आपको डॉक्टर किसी भी तरीके की मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है और कॉमन प्रॉब्लम होती है जैसे कि मैंने बताया, तो आपको ये फेस करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए दो ही ऑप्शन है, एक तो आप होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, कोल्ड कंप्रेस ले सकते हैं या फिर हॉट कंप्रेस ले सकते हैं। जो हॉट बैग आते हैं, कोल्ड बैग आते हैं, उनसे आप अपने बट को, बैक को, थाई एरिया को, ज्वाइंट एरिया को आप उनसे सिकाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इस तरीके के जो मेटर्निटी बेल्ट आते हैं उनका यूज आप कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे पूरी डिटेल से कि किस तरीके से आपको इसे यूज करना है और किस तरीके से ये यूजफुल है, कितने बार आपको पहनना है दिन में एंड कब कब इसे पहनना है। तो पूरी डिटेल हम इसके बारे में जानेंगे, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते तो ये है मेरे पास फ्लेमिंगो का मेटर्निटी बेल्ट एंड इसे मैंने लिया है यहीं लोकल मार्केट से। आप चाहे तो अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, इजीली मिल जाता है। एंड इसका जो मेन काम होता है वो आपके बेबी बम्प को सपोर्ट करना होता है, क्योंकि बेबी बम्प सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बैक पे, हमारे लेग्स पे, जॉइंट पे प्रेशर पड़ता है। तो उसके लिए ये होता है, ये सपोर्ट करके रखता है बेबी बम्प को, और उसके वजह से जो बैक पेन होते हैं, जो पेट में दर्द होता है, पेल्विक पेन होता है, और हमारे जॉइंट्स, थाई एंड बट पेन होने लगते हैं, उससे ये रिड्यूस करता है। तो जितने भी डिटेल्स है इसमें मेंशन है वो सभी कुछ मैंने बता दिए। साइज आप देख सकते हैं, मेरा जो बेल्ट है वो है लार्ज साइज का, और प्राइस आप देख सकते हैं कितने का है। अलग अलग प्राइस में मिलते हैं ये बेल्ट एंड मुझे 500 में ये मिली है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो सकता है। एंड देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने जो है किस तरीके से ये किस फैब्रिक से बना है एंड किस तरीके से आपको इसे यूज करना है सभी कुछ इसमें दिया हुआ है। आगे मैं भी बता दूंगी किस तरीके से आपको इसे पहनना है। एंड सेकेंड चीज, प्रेगनेंसी में नई चीज़ें यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें कि हमें ये पहनना चाहिए कि नहीं, ये यूज करना चाहिए कि नहीं। वैसे कुछ इसके साइड इफेक्ट नहीं है, बस आपको पहनने का तरीका अच्छे से आना चाहिए, बट बेबी का मामला होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। सारे प्रिकॉशन, किस तरीके से पहनने, किस तरीके से पहनने नहीं है, सभी कुछ इसमें मेंशन है। सारे बॉक्सेज में होंगी, जितने भी बेल्ट आते हैं सभी बॉक्सेज में मेंशन होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का मामला होता है। सो ये है बेल्ट, अभी मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। मैटर्निटी बेल्ट जो होते हैं ना, जरूरी नहीं है इसी डिजाइन में हो, अलग अलग टाइप के मिलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मैटर्निटी बेल्ट नहीं है। तो ये मेरा जो बेल्ट है ना, वो बेली को सपोर्ट करने के लिए, सेम बेली का जो आप देख रहे होंगे सामने शेप दिया है, तो बेली के ऊपर आप इसे रख के अटैच कर सकते हैं। इस तरीके का हुक दिया हुआ, स्टिक अच्छे से स्टिक हो जाता है और ये बेली को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो मेरा ये ऐसा है, जरूरी नहीं है आपको भी ऐसा मिले, आपको कुछ अलग मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए मैं से आपको पहन कर दिखा दे किस तरीके से आपको इसे पहनना है। तो इस तरीके से आपको इसे लेना है और अपने बेबी बम्प में इसे इस तरीके से रखना है एंड पीछे की तरफ स्टिक कर लेना, जो हुक दिया हुआ है उसे इसे स्टिक करना है। ध्यान रखना है आपको ना ही ज़्यादा आपको टाइट इसे पहनना है और ना ही ज़्यादा लूज पहनना, अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको इसे पहनना है। ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बेबी का जो एयर की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है। ज़्यादा टाइट बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग इसे पहनना है। सेकेंड चीज़, आपको पूरे दिन में इसे सिर्फ 2 घंटे के लिए पहनना है, इससे ज़्यादा नहीं पहनना है आपको। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसे कब पहनना है, आप कुकिंग करते वक्त पहन सकते हैं, वॉक करते वक्त पहन सकते हैं, जब भी कुछ खड़े होने वाला काम हो तो उस टाइप से पहन सकते हैं आप। और आपको, मैं 2 टाइप से इसे पहनती हूँ, तो ऐसा पहनती हूँ जैसे मैंने आपको दिखाया बेबी बम्प को सपोर्ट करने के लिए, एंड सेकेंड ये कि अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो इस तरीके से भी आप पहन सकते हैं। नीचे अटैच कर लेंगे तो जो आपका बेबी बम्प है ना वो पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा एंड जो बैक पेन है वो भी सही रहेगा, तो बैक के एरिया की साइड चौड़ा हो जाता है। तो आप दोनों तरीके से पहन सकते हैं, मुझे इस तरीके से ज़्यादा कंफर्ट फील होता है तो मैं इस तरीके से ज़्यादा पहनती हूँ, स्पेशली जब मैं कुकिंग करती हूँ तब मैं पहनती हूँ, या फिर ऐसा कुछ काम जो खड़े होकर करना पड़ता है वो मैं करती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग 2 घंटे के लिए, सिर्फ दिन में 2 घंटे के लिए ही पहनना है, आप डिसाइड कर लीजिएगा कब आपको पहनना है, कब आपको नहीं पहनना है। बहुत सारे काम होते हैं खड़े होने वाले, या फिर आप बाहर काम करते हो, खड़े होकर कुछ काम करते हो, तो उसमें आप पहन सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड फ्रेंड फैमिली से तो जरूर शेयर करिएगा। एंड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ऑनलाइन एंड आप चाहें तो मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियो देखते रहें।